Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to three top MNCs onboarding timelines. What about the next phase? क्योंकि मुझे daily basis पे बहुत सारी queries आती है कि अब तो अप्रैल भी खत्म होने वाला है थोड़े ही दिनों में, आज 17th अप्रैल है, but what about the onboarding timelines and what about the next phase? And Capgemini की तरफ से एक अपडेट आ रहा है related to the joining that की FY23 मतलब फिस्कल ईयर 2023 में आपकी ज्वाइनिंग डेट कभी भी हो सकती है, वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे जैसे जैसे रिलेवेंट पोजीशंस ओपन रहेगी। तो आज मैं आप सभी के साथ एक्चुअल चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, फेज वन फेज टू ऑनबोर्डिंग का क्या अपडेट है, क्या वो मई के फेज में होगा या उससे भी लेट हो सकता है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं आपको बता दूं क्योंकि मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने काफी वीडियोस भी शेयर की है और काफी टेलीग्राम ग्रुप्स पे नोटिफिकेशन भी शेयर किए हैं कि यहाँ पर तो ये अपडेट रोज आ रहा है पर आप हमें चैनल पे क्यों नहीं बता रहे हो। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं रोज ऑनबोर्डिंग नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि अब अगर कोई अपडेट ही नहीं है और मैं आपको बोल दूं कि कोई अपडेट है तो फिर वो कैसे काम चलेगा। ये वीडियो में पर्टिकुलरली मैं इसी पे बात करूंगा। अब हो क्या रहा है कि वो बहुत सारे जो फॉर्म्स है वो विल्प से रिलेटेड हैं या फिर अदर रोल्स से रिलेटेड हैं। अभी लाइट वाले कैंडिडेट्स भी वहां पर जाके सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको मेल पे कोई भी फॉर्म आए तो ही आपको फिल करना है कि हाँ आपकी ये डिटेल्स जो है वो इनकम्प्लीट है, तो फिर आप जो है इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, नहीं तो वहां पर डायरेक्ट रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी विप्रो की तरफ से ना फेज वन ना फेज टू की ऑनबोर्डिंग का कोई भी अपडेट नहीं है। अगर कोई भी आके मुझे ये बोलता है कि ये रहा ऑनबोर्डिंग मेल या फिर ये ज्वाइनिंग मेल, तो हम मान सकते हैं कि इलाइट और टर्बो की या फिर इलाइट की जो ऑनबोर्डिंग है वो इस टाइप से है। टर्बो का तो यहाँ पर सारी चीजें उन्होंने अभी प्रोसेस अभी स्टार्ट ही नहीं करी है क्योंकि वो टर्बो से इलाइट में कैंडिडेट्स को फॉरवर्ड किया गया था। देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनबोर्डिंग नहीं होने वाली है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि देखिए मई का जो फेज है वो भी अब स्टार्ट हो गया है। अब कंपनीज की जैसे जैसे डिमांड्स रहेगी, ठीक है, वैसे वैसे कंपनीज आपको बताती रहेगी क्योंकि यहाँ पर आपका एक पर्टिकुलरली कैंडिशर बना हुआ है, ठीक है। उस कैंडिशर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी एक ऑनबोर्डिंग टाइमलाइन सेट की जाती है कि हाँ आपको ये ऑनबोर्डिंग की टाइमलाइंस पे आपको ऑनबोर्डिंग दी जाएगी या फिर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि हम आप सभी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप सभी के लिए चैनल पे लाएं और हम डेली बेसिस पे वीडियोज आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। मैं ऐसी कोई फालतू वीडियो में ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको है ना ऑनबोर्डिंग तो आपकी कल हो जाएगी या फिर आप तो है ना ज्वाइन ही मत करो, विप्रो इन्फोसिस कैपजेमिनी छोड़ दो, तो फिर ये इतनी मेहनत क्यों करी है। पॉइंट को आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। माना सिचुएशन बहुत खराब है, ऐसी सिचुएशन पहले देखने को भी आई थी, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री बंद ही हो गई थी। खेल ये हो रहा है कि हमने इसे मतलब मेंटेलिटी में ही वो सोच लिया है। बेसिकली मेरा आप सभी से यही कहना है कि देखिए जो ऑनबोर्डिंग की टाइमलाइंस है वो अगर मैं कहूँ या फिर कोई और भी कहता है तो सेट नहीं होती है, ये सारी चीजें रहती है कंपनीज पे। तो आप सभी से यही है कि आप नई नई जॉब्स में अप्लाई करते रहें। अगर आपको लगता है कि हाँ आप वेट कर रहे हैं और आपके पास दूसरी भी आप स्किल सेट सीख रहे हैं तो फिर आप सोच सकते हैं, नहीं तो मैं आप सभी को कहूंगा कि आप मल्टीपल जॉब्स में अप्लाई करें, डेली बेसिस पे अपना रेज्यूमे अपडेट करते रहें जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। और बात रही फेज टू फेज वन ऑनबोर्डिंग की, जो रिमेनिंग ऑनबोर्डिंग रहेगी वो होगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगी, पर टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग ही होगा, ये बात में ट्रुथ है। अब मैं आपको बता दूं कि कैपजेमिनी की तरफ से भी यही बताया गया है कि FY23 में आपकी ज्वाइनिंग कभी भी आ सकती है रिलेवेंट पोजिशन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए सिचुएशन खराब है, ठीक है। अब अगर चाहिए मैं बोलूं या फिर कोई और कॉन्टेंट क्रिएटर बोले उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें भी मालूम है कि अभी जो आईटी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स है वो नहीं हो पा रहे हैं और जो रिसेशन है वो भी ऑन गोइंग है। तो ऐसी चीजों में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कैसे से कैसे जल्दी से जल्दी हम अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टॉप एमएनसीज का तो देखिए जब जैसे ही डिमांड्स रहेगी टाइमलाइंस आएगी आप सभी को पता चल जाएगा।
बाकी मैं आपको इन्फोसिस का बता दूं कि इन्फोसिस की कोई जो ज्वाइनिंग अभी आई थी कि 8 मई की ज्वाइनिंग एक्सटेंड हो गई है, वो सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए नहीं है, ठीक है। पहली बात तो वो सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए नहीं, वो सिस्टम एसोसिएट रोल के लिए है, ओके। बाकी ऐसे हम मान सकते हैं कि हाँ ज्वाइनिंग देखने को हमें मिल सकती है, बट होप सो कि मई फेज से लेके जो भी आगे वाला फेज स्टार्ट होगा, जैसे मई जून जुलाई, इसमें हमें फेज वन फेज टू की ऑनबोर्डिंग जितनी भी बची है वो इलाइट की देखने को मिले, ओके। मैं तो यही होप करूंगा कि जल्दी से जल्दी ऑनबोर्डिंग आ जाए और आप सभी काम स्टार्ट कर दें। तब तक के लिए आप अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कीजिए। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।